हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए सेशन को शुरू करते। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपके लिए रेगुलर यहाँ पे रीजनिंग का सेशन चलता है सुबह 11:15 पर, जो कि BSTC एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी को लास्ट तक इस क्लास को देखना है। साथ में जो भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक कर देना, आपके सभी दोस्तों के पास में शेयर कर देना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को शुरू करते। देखिए, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए सभी के पास में। आवाज़ और क्लास बिल्कुल सही चल रही है ना, एक बार कंफर्म कर देना यहाँ पे, फिर हम क्लास को शुरू करने वाले हैं। चलिए, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ओके ओके ओके, शुरू करते। देखिए आज का सेशन। एग्जाम कब है? एग्जाम देखिए आपका नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ओके, अब जो भी विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर आपके लिए यहाँ पे क्लासेज हो रही है अच्छी शानदार, और आपके सिलेबस को देखते हुए, आपके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए सभी क्लासेज चला रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए, बातें बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित श्रृंखला में परसेंटेज चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अच्छा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PMJG और D। अच्छा देखिए दोस्तों, P आता है 16 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे। 7 4 क्या हो रहा है? -3 हो रहा है यहाँ पे ना, क्या हो रहा है? देखिए दोस्तों, -3 हो रहा है, तो 4 में -3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 1, और 1 नंबर पे क्या आता है? A आता है। 1 नंबर पे क्या आता है? ए आता है। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया इस क्वेश्चन में, बिल्कुल राइट आंसर आंसर का। ओके, सभी को लास्ट में बताना है कि आपके इस सेशन से टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है आप सभी विद्यार्थियों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है 10, 18, 28, 40, 54 और 70। आगे बताना है आपको क्या आएगा। देखिए सबसे पहले 10 में अगर हम +8 करेंगे तो यहाँ से 18 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? +10 हो रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों +12 हो रहा है, दो दो क्या हो रहा है यहाँ पे? जुड़ रहा है। दो दो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। आगे क्या होगा? +18 होगा। अगर हम 70 में 18 जोड़ते हैं तो अपने पास में कितना आता है? 88 आता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से वे कौन वैसा ही है जैसे भूकंप, चक्रवात और ज्वालामुखी विस्फोट है? चलिए सर, दिख नहीं रहा, जिनको भी दिखाई नहीं दे रहा, क्लास को 240 पेपर चलाना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप, चक्रवात और ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी क्या है दोस्तों? प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक ना? ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इसी प्रकार देखिए, बाढ़ होता है, बाढ़ भी क्या था देखिए? प्राकृतिक आपदा है। अरे बाढ़ भी क्या है? एक प्रकार की आपदा है। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा अपना राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब समूह में केवल दो ही अक्षर है तो अक्षरों का वर्गीकरण दोनों अक्षरों के बीच के अंतर के आधार पर किया जाता है। आपको बताना है यहाँ पे भिन्न अक्षर समूह कौन सा है। आपको यहाँ पे बताना है भिन्न अक्षर समूह कौन सा है। चलिए बताइए। देखिए, ए और सी के बीच का अंतराल कितने का है? +2 का है। सी और डी के अंतर है +1 का, यहाँ पर +2 है और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों? +2 है। ऑप्शन बी यहाँ पे जिन्होंने आंसर दिया, बिल्कुल राइट आंसर उनका, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बताइए जल्दी से, जिस प्रकार से 1/9 का संबंध है 1/81 से, उसी प्रकार से आपको बताना है 1/13 का संबंध किससे होगा। चलिए बताइए जल्दी से राइट आंसर।
अच्छा, 1/9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 1/9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 1/81 आएगा। इसी प्रकार अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/169 आता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे जिन्होंने आंसर दिया है उन सभी का होगा करेक्ट आंसर। ओके, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा तो क्लास को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस सब विकल्प को बताइए जो कि अन्य तीन विकल्पों से क्या है, अलग है, अन्य तीन विकल्पों से अलग है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्हीं में से आपको बताना, ठीक ना। ये यहाँ पे चार आकृतियाँ दी हुई है, इन्हीं में से आपको बताना कि कौन सा यहाँ पे अलग हो जाएगा। चले बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। राइट आंसर बताना है सभी को। अच्छा देखिए दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की शेप बन रही है, आधा वर्त आ रहा है यहाँ पे, ठीक ना। आधा वर्त आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। अरे ऑप्शन सी में नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए इस क्वेश्चन का करिए एक बार जल्दी से, इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थियों को करना है। चलिए करिए एक बार जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी देना है, फिर क्या हो जाएगा। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। महेश की आयु दी हुई है 60 वर्ष। महेश है, एम से डिनोट कर रहे हैं, जिसकी आयु कितनी दी हुई है, 60 वर्ष दी हुई है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। राम महेश से कितना वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है। तो 60 में से 5 घटा लेंगे, मतलब 55 वर्ष का कौन है, राम है। यहाँ पे राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। वह देखिए उससे कितना वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है राजू। अच्छा ये भी लिखा हुआ है कि राजू से 4 वर्ष बड़ा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन में है कि महेश की आयु तो 60 वर्ष है, हमने लिख लिया यहाँ पे, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो राम 55 वर्ष का हो जाएगा, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू से 4 वर्ष बड़ा कौन है, राजू से 4 वर्ष बड़ा कौन है, देखिए राम की बात हो रही थी ना, राम है। ये देखिए महेश से तो 5 साल छोटा है, लेकिन राजू से ये 4 वर्ष बड़ा है। राम है जो कि राजू से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब राजू की उम्र 51 वर्ष हो जाएगी। राजू की उम्र कितनी हो जाएगी, 51 वर्ष हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है। राजू का सबसे छोटा भाई कौन है, बाबू है। अब देखिए लिखा हुआ है कि वह उससे 6 साल छोटा है, तो बाबू की उम्र कितनी हो जाएगी, 51 में से 6 वर्ष बैठा लेना। 51 में से अगर हम 6 वर्ष बढ़ाएंगे तो बाबू की उम्र हो जाएगी 45 वर्ष। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है। महेश की उम्र है 60 साल, बाबू की उम्र है 45 वर्ष। तो 60 में से आपको क्या करना है, 45 घटाना है। अगर 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 वर्ष यहाँ पे इन दोनों का अंतर आ जाएगा। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया इस क्वेश्चन में उन सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, जल्दी से बताइए एक बार, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाता है। देखिए यहाँ पे दर्पण को रखा जा रहा है, लिखा हुआ है दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति पर्सन आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। चलिए बताइए पर्सन आकृति का सही प्रतिबिंब कौन सी आकृति होने वाली है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इस प्रकार का ये गोला बनेगा और यहाँ पर इस प्रकार से ये एरो आ जाएंगे। ओके, इसी प्रकार से बनेंगे। कौन से में दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन में है इस प्रकार के एरो, ऑप्शन बी में है, ठीक ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा अपना राइट आंसर, फिर ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। कर लिया सभी ने, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी कूट भाषा में संडे SUNDAY संडे को लिखा जाता है YADUNUS। अच्छा देखिए दोस्तों उल्टा लिखा जा रहा है यहाँ पे, है ना।
क्या लिखा जा रहा है, देखिए उल्टा लिखा जा रहा है। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे ये क्रिएशन है, इसको क्या करना है, उल्टा लिख देना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक ना। सबसे लास्ट में एन है जो कि सबसे पहले आ जाएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा अपना राइट ट्रांसफर, क्लियर। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, किसी कूट भाषा में श्वेत का अर्थ काला है, काले का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ हरा है, रुधिर का रंग क्या होता है। रुधिर का रंग मतलब रक्त का रंग कौन सा होता है दोस्तों, लाल होता है। और लाल देखिए यहाँ पे लाल का अर्थ क्या दिया हुआ है, हरा दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हरा अपना राइट आंसर आएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। हरा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर देगा। अरे रुधिर का रंग लाल होता है तो लाल को यहाँ पे हरा लिखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के, देखिए क्या लिखा हुआ है, अक्षर पी के ठीक बाई ओर, इधर की ओर कौन सा अक्षर होगा। कर सकते हो सभी, पता है ना सभी को कौन सा अक्षर होता है, ओ होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा अपना राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए बराबर एक है, सी ए पी बराबर 20 है, तो एच ई एन बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए दोस्तों, ए का कोड भी क्या होता है, एक होता है। सी ए पी की बात करें, सी का कोड 3, ए का कोड 1 और पी का कोड 16 और 4 20। इसी प्रकार से आपको क्या बताना है, एच ई एन का कोड बताना है। एच देखिए आता है 8 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे और एन आता है 14 नंबर पे। 8 और 5 13 और 14 27। ओके, ऑप्शन सी यहां पे होगा राइट ट्रांसफर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी आकृति पर्सन आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। एक बार जो भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना आपके सभी मित्रों के पास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। सेशनों एक बार लाइक कीजिए, देखिए लाइक की संख्या काफ़ी कम है, केवल 120 लाइक है, जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पे डबल क्लास को देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये वाली आकृति जो ऊपर की ओर आ रही है, इसका नीचे की ओर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको चेंजेस करके इसे नीचे की ओर बना रहे हैं, ठीक ना। मतलब इस आकृति को पूरा कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये वाली आकृति ऐसे पूरा करेंगे नीचे की ओर, तो ये किस प्रकार से बनेगी, ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। बताइए अपना यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, सभी को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इन दोनों में से होने वाला है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन से करना सीखो क्वेश्चन को, है ना, ऑप्शन से करना सीख जाओगे तो आप थोड़ा जल्दी भी कर लोगे और आपका क्वेश्चन भी सही होने की पूरी पूरी संभावना होती है। ऑप्शन सी होगा, वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है इस प्रकार से, जबकि यहाँ पे क्या दी हुई, लाइन दी हुई है। हमने तो केवल डॉट को ही देखा है, बाकी लाइन को भी देखे दोस्तों, इस डायग्राम को भी हम पूरा कर सकते हैं इस प्रकार से, ये पूरा हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, वरुण लंबा है संजय से, वरुण देखे दोस्तों किससे बड़ा है, संजय से बड़ा है, वरुण बड़ा है संजय से, संजय से विपुल लंबा है वरुण से। अच्छा देखिए, विपुल है जो कि वरुण से भी क्या है, लंबा है। कृष्ण उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, मतलब कृष्ण उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, मतलब कृष्ण क्या होगा, इस विपुल से छोटा होगा, लेकिन कृष्ण है ये वरुण से लंबा है। देखिए कृष्ण की बात हो रही थी, कृष्ण उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, लेकिन ये वरुण से लंबा है। मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे लंबा तो कौन है, विपुल है। ओके, उसके बाद में देखिए कृष्ण आ जाएगा, उसके बाद देखिए वरुण आ जाएगा, और वरुण के बाद में कौन आ जाएगा, संजय आ जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, विपुल है सबसे लंबा। ओके, विपुल क्या है यहाँ पे, सबसे लंबा है। अच्छा आपसे अगर ऐसे पूछ लेते सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा देखिए यहाँ पे संजय है, संजय क्या है यहाँ पे, सबसे छोटा है। कर सकते थे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए एक बार, इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते थे, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, किसी कक्षा की उपस्थिति में, किसी कक्षा की
उपस्थिति में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां है। एक कक्षा है जहां पर देखिए विनय कितने नंबर पे है, ऊपर से 13वें नंबर पर है और नीचे से 26वें नंबर पर है। देखिए दोस्तों ये क्या है, एक कक्षा है, यहां पर मान लेते हैं कौन है, विनय है, ठीक है ना, यहां पर कौन है, विनय है। अब विनय की स्थिति देखिए, ऊपर से तो कौन सी है, 13वीं है और नीचे से कौन सी है दोस्तों, नीचे से है 26वीं। क्या बोला जा रहा है, यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में देखिए विनय का ऊपर से स्थान 13वां था, नीचे से 26वां है। तो सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए कि टोटल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक ना। कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कैसे निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला करवाया हुआ है कि टोटल विद्यार्थियों के लिए क्या होता है, एल प्लस आर माइनस वन होता है। तो विनय का स्थान देखिए ऊपर से दिया हुआ है, हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे, विनय का स्थान ऊपर से 13वां दिया हुआ है, नीचे से 26वां दिया हुआ है, माइनस एक कर लेना, 13 2 26, 13 3 39, माइनस एक करेंगे तो 38 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी हुए हैं। एक कक्षा है, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो, एक कक्षा है जिसमें टोटल विद्यार्थी कौन कौन होंगे, उत्तीर्ण वाले भी कक्षा में विद्यार्थी है और अनुत्तीर्ण भी कक्षा में विद्यार्थी है। तो यहाँ से 38 में क्या करना है आपको, जो 7 विद्यार्थी है इनको भी जोड़ना है। 38 में अगर हम 7 जोड़ लेंगे तो यहाँ से अपना राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, देख लेना, ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया इस क्वेश्चन में बिल्कुल करेक्ट आंसर उन सभी का। आपको क्या बताना था, परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। परीक्षा में देखिए उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी भी होंगे और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी भी होंगे। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 7 दी हुई थी और उत्तीर्ण की हमने निकाल ली कितनी है, 38 है। तो 38 नहीं होगा, यहाँ पे 45 अपना राइट आंसर जाएगा। जल्दीबाजी में गलत आंसर मत देना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से, एक व्यक्ति देखिए दोस्तों एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। मान लेते देखिए दोस्तों यहाँ से वो चल रहा है और दक्षिण की ओर चल रहा है 15 मीटर, ओके। अब क्या कर रहा है, वहाँ से 12 मीटर, वहाँ से 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ पर तो आ गया, लेकिन अब देखिए इसको कुछ ना कुछ काम याद आ गया, तो ये क्या करता है, वापस जाता है 12 किलोमीटर, ओके, 12 मीटर वापस जाता है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। यहाँ से देखिए दोस्तों 4 मीटर वो पश्चिम की ओर इधर की ओर चलता है। अब क्या बोला जा रहा है, वह निश्चित बिंदु से, मतलब यहाँ से कितने दूरी पर स्थित है। यहाँ से देखिए दोस्तों इधर तो 3 मीटर बच रहा है उसका, इधर तो 3 मीटर है, इधर 4 मीटर, तो देखिए डायरेक्ट 3 और 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे आप लगा सकते हो, 9 प्लस 16 बराबर 25 होता है और ये 25 होता है जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 किलोमीटर है, लेकिन 5 किलोमीटर कौन सी दिशा में है ये आपको बता रहा है। 5 किलोमीटर देखिए दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें, इधर की ओर पश्चिम आता है, नीचे की ओर दक्षिण आता है, और जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन, अरे उसे हम दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन कहते हैं। तो 5 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ऑप्शन सी यहाँ पे जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था, उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के, राम के पिता के, ठीक ना, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, लिखा हुआ है मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो देखिए क्या क्वेश्चन में क्या था, राम ने एक व्यक्ति के चित्र के वो देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की, राम का पिता का पुत्र मतलब राम की कौन है, पत्नी है। तो राम किसका चित्र देख रहा है, ये देखिए दोस्तों वो व्यक्ति है, ठीक ना, ये कौन है, वो व्यक्ति है। तो राम चित्र देख रहा है, किसका चित्र देख रहा है, अपने पुत्र का, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, देख लीजिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बताइए, चलिए जल्दी से। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर तो देखिए क्या आ रहा है, मैट्रिक का आ रही है, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों क्या है, मैट्रिक है। आपको बताना है पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, चलिए बताइए जल्दी से। पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25, 49 और 16। 25 देखिए किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, और अगर हम 5 और 6 को जोड़ देते हैं तो देखिए नीचे 11 दिया हुआ है। समझ गए ना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 आ जाएगा, और 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। 12 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए जल्दी से। क्वेश्चन 20 है, आपको बताना है पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 16 होता है 4 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 2 होता है 4 होता है 2 का स्क्वायर, 4 तिया कितना होता है 12 होता है, 12 दुआ 24 होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 36 लिखा हुआ है। कुछ अलग यहाँ पे तरीका लगाने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे 16 में 4 का भाग लगा देते हैं, ठीक ना, 16 में 4 का भाग लगा देते हैं तो देखिए दोस्तों अपने पास में कितना आता है, 4 आता है, और फिर 4 को इस वाले 9 से गुणा कर लेते हैं तो अपने पास में अंदर वाली संख्या आ जाएगी 36 आ जाएगी ना। इसी प्रकार 48 है, 48 में नीचे वाली संख्या क्या है, 8 है, भाग लगाना है, साइड वाली संख्या से गुणा करना है, 8 छीगो 48 और 9 छीगे 54, अंदर 54 आ रहा है। इसी प्रकार से बेहतर है, बेहतर में नीचे वाली संख्या 6 दिया हुआ है, साइड वाली संख्या 8 दी हुई है, 12 छीगे कितना होता है, बेहतर होता है, और 12 अंटे कितना होता है दोस्तों बताइए जल्दी से। छिन्न में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। ओके चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए कितनी होगी, ये वाली आकृति है, इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होंगे ये आपको बताना है। थोड़ा जूम करें क्या, चलिए देखिए जूम कर देते हैं। ओके ये लीजिए, देखिए चार, तीन त्रिभुज तो यहाँ से होंगे, तीन त्रिभुज यहाँ से होंगे, तीन यहाँ से आ जाएंगे और तीन यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है ना, 12 तो ये हो गए। इसके अलावा तीन यहाँ से आ जाएंगे और तीन देखिए दोस्तों यहाँ से आ जाएंगे, 12 और 6 18। इसके अलावा दिखाई दे रहे हैं क्या किसी को, अरे इसके अलावा किसी को कोई ट्राइंगल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा ना, वेरी गुड, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। करवाया आपको देखिए इस प्रकार से कोई आकृति आ जाती है ना, तो यहाँ पे एक, ये दो और ये टोटल तीन। ओके अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए आप तो, यदि 24 फरवरी 1995 को शुक्रवार था तो 3 मार्च 1955 को कौन सा दिन होगा। क्लास को लाइक कीजिए यार, काफ़ी कम लाइक है, लाइक तो कीजिए एक बार जल्दी से जल्दी। देखिए शानदार सेशन होता है तो आपको लाइक करना चाहिए, वो एक टीचर के लिए सपोर्ट का कार्य करता है आपका लाइक। 24 फरवरी 1995 को शुक्रवार है तो 3 मार्च 1955 को कौन सा दिन होगा बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पे क्या है, 1995 ही होगा, ठीक है ना, 3 मार्च 1995 ही होगा, ठीक है, 3 मार्च 1995 है, 1955 नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो फरवरी के दिनों की संख्या 1995 है, ये क्या है, साधारण वर्ष है, ये क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है। ओके तो साधारण वर्ष में आप लोग जानते हो टोटल कितने दिन होते हैं, फरवरी के महीने में टोटल दिनों की संख्या होती है 28, 28 में से 24 दिन तो हम वैसे कम कर लेंगे, 28 में से 24 दिन तो हम कम कर लेंगे तो यहाँ से अपने पास में कितने दिन बचेंगे, 4 दिन बचेंगे। फरवरी के तो आपको 4 दिन लेके चलना है और मार्च के जितने दिन आपसे पूछा जा रहा है उतने दिन लगा लेना, तो 4 और मार्च के दिन है 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7,
और साथ में देखिए किसका भाग लगाना है, सात का भाग लगाना है। सात में हमें सात का भाग लगाना है, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास में जीरो, जीरो से सल बच जाएगा। कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर रिमाइंडर क्या होता है ये बताइए। अब देखिए आपने देखिए दोस्तों कैलेंडर नहीं पढ़ा तो आपको कैसे पता होगा रिमाइंडर के बारे में, इसलिए प्लीज़ कैलेंडर वाला चैप्टर पढ़ लेना ओके। तो यहाँ पे जीरो रिमाइंडर बच रहा है, तो शुक्रवार में हमें क्या करना है, जीरो जोड़ना है। शुक्रवार में अगर हम जीरो प्लस करेंगे तो अपने पास में शुक्रवार आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कैलेंडर वाला टॉपिक करवा दो सर, करवा दिया आपको कितनी बार तो करवा दिया, देखते हैं अभी अगर कभी टाइम मिलेगा तो करवा देंगे ओके। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है, सात का ही भाग क्यों लगाया हिना बतेर। देखिए सात का भाग क्यों लगाया, दिनों की संख्या टोटल कितनी होती है वीक में, कुल दिन कितने होते हैं एक वीक में, सात दिन होते हैं, कितने होते हैं सात दिन होते हैं, इसलिए हमने सात का भाग लगाया है ओके। ये सब कुछ बातें आपको टॉपिक में बताई हुई है, ऐसी चीज़ें देखिए यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि टाइम नहीं होता अपने पास में इतना। अधिवर्ष कौन सा है, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये जानिए दोस्तों, ठीक ना। अरे अधिवर्ष का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये जानिए, जिसको कहते हैं लीप वर्ष, जिसे क्या कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं, वो देखिए दोस्तों अधिवर्ष होता है ओके। अब लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों सेंचुरी दी हुई है, अगर सेंचुरी दी जाती है तब आपको दिए गए वर्ष में 400 का भाग लगाना होता है, किसका भाग लगाना होता है 400 का भाग लगाना होता है, तो 400 का भाग जिसमें जा रहा है वो क्या है यहाँ पे लीप वर्ष है। आप लोग बोलोगे सर 400 का भाग तो देखिए यहाँ पे 1600 में ही जा रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 24, टोटल क्वेश्चनों की संख्या 25 है, तो देखिए जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया था क्लास को लाइक कर देना, लाइक का टारगेट है 200 लाइक ओके, जो कि क्लास को कंप्लीट होने से पहले पहले कर देना एक बार। 24 का आंसर दीजिए, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को क्या दिया हुआ है, एक 15 सेंटीमीटर भुजा है वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभक्त किया जाता है। अच्छा देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे बताइए जल्दी से, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक ना, वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभक्त कर दिया जाता है, इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे, तो n बराबर क्या होता है, जो बड़ा घन होता है ना, जो बड़ा घन है की भुजा, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा, ठीक ना। सबसे पहले तो n की वैल्यू निकाल लीजिए, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा। अब बड़े घन की भुजा कितनी है, बड़े घन की भुजा है 15 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर है, 15 में अगर हम 3 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में 5 आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे घन आपसे पूछा रहा है कि कितने घन प्राप्त होंगे, ये बताइए घन बराबर देखिए घन में घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है ना, क्या होता है दोस्तों भुजा क्यूब होता है ए क्यूब या एन क्यूब, ठीक है ना, या क्या होता है एन क्यूब होता है, एन बराबर अपने पास में 5 आ रहा है तो एन का क्यूब करेंगे, मतलब 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो अपने पास में यहाँ से 125 आता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ओके। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे हम। देखिए ध्यान से देखना, अगर आपको कभी भी घन दिया जाता है और बड़े घन की भुजा आ जाती है और छोटे घन की भुजा आ जाती है, सबसे पहले आपको एन निकालना होगा, फिर देखिए दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है या एन क्यूब होता है, तो यहाँ से एन बराबर अपने पास में 5 आया था और 5 का क्यूब करेंगे तो 125, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। चलिए अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। अब आप लोग बोलोगे सर ये पासा तो देखिए एक ही आ रहा है, जबकि हम तो इतने दिन देखिए दो पासे लेकर फिर निकालते थे, ठीक ना। बोलोगे मुझे पता है आपका कमेंट आने वाला है कि यहाँ पर तो देखिए क्या आ रहा है, केवल एक ही घन है, यहाँ पे एक ही पासा आ रहा है, जबकि आते कितने हैं, दो आते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या आ सकता है,
ये पासा है, ये देखिए दोस्तों कौन सा पासा है, मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है। और आप लोग जानते हो मानक पासे में विपरीत सतह का योग कितना होता है, विपरीत सतह का योग 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पर 4 दिया हुआ था, 4 के विपरीत क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। तभी तो देखिए दोस्तों 4 और 3 को जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। तो 4 के अपोजिट यहाँ पे 3 हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे पूछते कि 1 के विपरीत क्या होता, तब आपका आंसर क्या होता, कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है कि 1 के विपरीत अगर आपको पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होता। और देखिए दोस्तों ये अपना सेशन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, क्लास को लाइक करना है, आपके दोस्तों के पास में शेयर करना है। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, बताना है सभी को कि आपके 25 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, क्लास को लाइक कर देना। और नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है हिंदी की, कब होगी, 12 बजे होगी। ओके, देखिए लाइक की संख्या कम हो रही है, जितना देखिए जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक ज़रूर करना। 230 विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, 200 ही लाइक के लिए बोला है आपको। ओके, कर देना। चलिए वेरी गुड सर, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, चलिए अच्छी बात है फिर तो। और शानदार तैयारी करते रहिए, चलिए कोई बात नहीं, गिने नहीं तो। सर सिर पैर वाले कब कराएंगे, करा देंगे करा देंगे, परेशान मत होइए, सब कुछ करा देंगे आपके एग्जाम से पहले पहले। ओके, होमवर्क दो सर। अच्छा होमवर्क दे क्या आपको, होमवर्क के लिए तो क्वेश्चन कौन कौन लेना चाहता है होमवर्क का क्वेश्चन। चलिए फिर आपके लिए देखिए होमवर्क का क्वेश्चन ऐसा करते हैं, देते हैं तो हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन देखना होगा फिर आपके लिए कौन सा क्वेश्चन देते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देता है कमेंट सेक्शन में। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए है, बाकी जो चले गए हैं कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्वेश्चन है देखिए आपके लिए, 10, 33, 102, आगे लिखा हुआ है 309, आपको बताना है आगे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए है 1030, ऑप्शन बी है यहाँ पे 928, ऑप्शन सी है 1000 और ऑप्शन डी है आपके लिए 930। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। सर आयु वाला चैप्टर करवाओ, करवा दिया, बिल्कुल करवा दिया, आयु वाला चैप्टर हो चुका है अपना, आयु वाला चैप्टर हो चुका है। थैंक यू सो मच, फिर सेशन को एंड करते हैं। क्लास पर लाइक भी हो चुके हैं, टोटल देख के 200 लाइक हो चुके हैं। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।